Hey Google, please turn on my AC. Okay, turning on Panasonic AC. Please set up 25 degrees Celsius. Alright, setting Panasonic AC to 25 degrees. Wow, please AC temperature set up 30 degrees and cooling mode. Alright, setting Panasonic AC to 30 degrees. तो भाई देख लीजिए आप लोग. Okay, thank you. Please turn off my AC. फंक्शन कैसे एक्टिवेट करते हैं और आप इसे अपने वॉइस के कंट्रोल के हिसाब से इसी को कंट्रोल कर सकते हो. यानी बाहर आप किसी जगह पर हो, आप आने से पहले अपने रूम को ठंडा करना चाहते हो तो आप बाहर से ही आपके एसी को परमिशन दोगे. आपका एसी पहले से आपका रूम जो है ठंड करके रखेगा. ठीक है, सो ये कैसे होगा कंप्लीट गाइड करूंगा. तो प्लीज गाइस वीडियो को बिना स्किप किए फुल देखना क्योंकि आप लोग सब जानते हो इस चैनल में जो भी ट्यूटोरियल लाता हूँ सभी A to Z गारंटेड के साथ फुल गाइड किया जाता है. सो गाइस सबसे पहले आपको एक मॉडेम की जरूरत है यानी एक ब्रॉडबैंड की. कंपनी ये कहता है कि स्मार्ट एसी ब्रॉडबैंड की इंटरनेट से ही कनेक्ट होता है. ये नहीं कहता है कि आप मोबाइल के हॉटस्पॉट से कनेक्ट करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एक महंगा सा ब्रॉडबैंड ला दो. मैंने थोड़ा बहुत दिमाग लगाया क्योंकि कंपनी कहता है 2.4 गीगा फ्रीक्वेंसी से इसका जो है मॉडेम यानी वाईफाई का कनेक्टिविटी रहता है. तो मैंने एक जुगाड़ लगाया क्योंकि हम लोग इंडियन है और इंडियन के पास कोई भी देसी जुगाड़ का कमियां नहीं है. तो मेरा है ये बड़ा हुआ था जियो का ये 4G मॉडेम. ठीक है, ये एक तरीके का ब्रॉडबैंड भी बोल सकते हो क्योंकि कंपनी कहता है 2.4 गीगा फ्रीक्वेंसी रहना चाहिए. तो इसमें 2.4 गीगा फ्रीक्वेंसी स्टार्टिंग है तो भाई क्यों इतना पैसा खर्च करने का, एक मॉडेम लेने का, एक कनेक्शन लेने का. इससे काम चल जाएगा यार, कितना केवी और एमबी खाता है ये. ठीक है, तो मैं इससे ही कनेक्ट करूंगा और इसको और भी ज्यादा साउंड के हिसाब से जैसे गूगल आपसे बात करेंगे वो कनेक्शन करने के लिए एक आपको ब्लूटूथ स्पीकर की जरूरत पड़ता है जो कि मैंने हाल ही में फ्लिपकार्ट से लिया था. इसका अनबॉक्सिंग ट्यूटोरियल भी आप लोगों को दे दिया. ठीक है, यह इन्फिनिट का 5 वॉट का ब्लूटूथ स्पीकर जो भी काफी दमदार है. तो इसको रखते साइड में और कैसा कुछ है चलिए आप लोगों को स्क्रीन रेकॉर्ड के हिसाब से दिखा देता हूँ. सबसे पहले गाइस आप लोगों को एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, मैंने डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दे दिया, आप फिर भी डाउनलोड कर लीजिएगा. यहाँ पर आएगा पैनासोनिक मिरएल यानी पैनासोनिक MIRALE. ठीक है, 4.7 स्टार रेटिंग है, इसको सिंपली से इंस्टॉल कर लीजिए. मैं इंस्टॉल को स्किप कर देता हूँ क्योंकि वीडियो नहीं तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा. तो मेरे प्यारे भाई लोग मेरा जो है पैनासोनिक मिरएल इंस्टॉल हो चुका है. ठीक है, उसके बाद गाइस आप अपने मॉडेम को ऑन कर लीजिए, उसके बाद आप अपने ब्लूटूथ स्पीकर को भी ऑन कर लीजिएगा बढ़िया साउंड देने के लिए. उसके बाद एसी को ऑन कर दीजिए जैसे मैं एसी को ऑन कर देता हूँ. उसके बाद सिंपली से इसको ऑन कर लीजिए. जैसे ऑन होगा ऐप का इंटरफेस आप लोगों को ऐसा दिखेगा. आपका जो है मोबाइल डाटा ऑन होना चाहिए या आप वाईफाई से कनेक्ट भी कर सकते हो. मैंने तो एक ही सिम है इसलिए वाईफाई से कनेक्ट किया. उसके बाद आप अपने पर्सनल डिटेल्स यानी मोबाइल नंबर और पासवर्ड देके इसको रजिस्टर कर लीजिए. या आपका पहले से अकाउंट है तो आप लॉग इन कर लीजिए. उसके बाद साइन अप पे जैसे क्लिक करते हो यहाँ पर एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट पे क्लिक कीजिए, आपका कनेक्ट डिवाइस आ जाएगा. इसको स्किप मत कीजिए, इसको स्वाइप राइट कीजिए. ठीक है, ऐसे करके इसको डन कर लीजिए. डन करने के बाद अनेबल लोकेशन क्लिक कर लीजिए, जो जो भी नोटिफिकेशन मांगे दे दीजिए. उसके बाद एयर कंडीशनर में क्लिक करना है. उसके बाद ऐड डिवाइस, ऐड डिवाइस में जैसे क्लिक करते हो ना तो यहाँ पर जो है कंटिन्यू में क्लिक कर देना है. तो नियर बाय सर्च होके आपका एसी आ जाएगा. इसमें जैसे क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपका वाईफाई का पासवर्ड दे दीजिएगा. ब्रॉडबैंड से कनेक्ट कर लीजिए. ठीक है, उसके बाद अनेबल इंटरनेट कीजिए, यहाँ पर ओके कीजिए. तो जैसे कनेक्शन हो चुका है यहाँ पर देखिए आपका एसी का इंटरफेस यहाँ पर आ जाएगा. तो पैनासोनिक एसी ऑनलाइन यहाँ पर देखिए ब्लू डॉट करके ऑनलाइन लिखा हुआ है. तो फिलहाल यहाँ पर ऑन पे है, आप फैन की स्पीड को बढ़ा सकते हैं. जैसे यहाँ पर फैन है तो यहाँ पर देखो यहाँ पर मोड चेंज कर सकते हो. यहाँ का फैन का स्पीड आप बढ़ा सकते हो यहाँ से. जैसे आप फैन का स्पीड बढ़ाते हो फैन का स्पीड बढ़ेगा. यहाँ पर ऑटो कर सकते हो तो ऑटो होगा. ठीक है, यहाँ पर फैन का स्पीड घटाना चाहते हो घट जाएगा. अब अपने हिसाब से टेम्परेचर यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो. पावरफुल में जाओगे तो पावरफुल भी ऑन हो जाएगा. ठीक है, अब डिफॉल्ट करना चाहते हो डिफॉल्ट होगा. ये तो गए एप्लीकेशन के बाद. ठीक है, इस एप्लीकेशन से आप लोग बहुत कुछ यानी अपने एसी को कंट्रोल कर सकते हो. तो अब आ जाता हूँ बैक पे, अब आप लोगों को ले चलता हूँ. अब आप ओके गूगल से वॉइस कंट्रोल कैसे कर सकते हो. तो गाइस सबसे पहले गाइस आपको ये एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना पड़ेगा. यहाँ पर देखिए गूगल होम, गूगल होम पर जैसे ही जाते हो इंटरफेस ऐसा आ जाएगा. प्लीज इसको इंस्टॉल कर लीजिए, इंस्टॉल करके ओपन कर लीजिए. ओपन जैसे ही करते हो गेट स्टार्ट पे क्लिक करते हो तो आप आपके ईमेल देख के यहाँ पर साइन इन कर लीजिए या साइन अप कर लीजिए. नेक्स्ट में जाइए, अलाउ कीजिए. उसके बाद फिर से नेक्स्ट में जाइए, लोकेशन को ऑन कर लीजिए. उसके बाद थोड़ा सा पेशेंट रखिए, वेट रखिए, लुकिंग फॉर ए डिवाइस, ये डिवाइस को सर्च कर ले रहा है. यहाँ पर आने के बाद गाइस आपको प्लस वाले ऑप्शन में जाना पड़ेगा, सेटअप डिवाइस में क्लिक करना पड़ेगा. ठीक है, वर्क्स विद गूगल, ये न्यू डिवाइस जो है ये गूगल का इंटरनली सर्वर है. तो आप सेकंड वाले ऑप्शन में क्लिक कर लीजिए, वर्क्स विद गूगल.
एक्सेसिबल। इसमें जाइए, इसमें जाने के बाद गाइस आप यहाँ पर देखो पैनासोनिक मिरर ये ऑटोमेटिकली चले आएगा। तो कौन सा ब्रांड है, कौन सा एसी है, अब इसको सर्च कर लीजिए, यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। आपको यहाँ पर रिकनेक्ट, जैसे मैंने पहले से कनेक्ट होकर रखा है, पहले आप रिकनेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो मैं इसको पहले से कनेक्ट करके रखा हूँ, उसके बाद आप लोगों को दिखाने के लिए रिकनेक्ट कर लिया। जैसे ही रिकनेक्ट करते हो तो यहाँ पर कंटिन्यू में क्लिक कर लीजिए। तो कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद आपको आपके उस वाले अकाउंट का आईडी पासवर्ड देना पड़ेगा जो आप पैनासोनिक मिरर पे दिए थे। तो उसके बाद रिमेम्बर पे क्लिक करने के बाद साइन इन कर लीजिए। साइन इन जैसे ही करते हो, ठीक है, साइन अप या साइन इन करने के बाद पैनासोनिक का यहाँ पर इंटरफेस आप लोगों को दिखेगा। अब गाइस आप क्या करना चाहते हो, जैसे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। प्लीज माई एसी टेम्परेचर सेटअप 30 डिग्री। प्लीज माई एसी टेम्परेचर सेटअप गूगल 25 डिग्री। श्योर, सेटिंग पैनासोनिक एसी टू 25 डिग्रीज। थैंक यू गूगल, प्लीज टर्न ऑफ माई एसी। देखो बंद हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही गाइस आप इतने मजेदार तरीके से अपने एसी को कंट्रोल कर सकते हो, हुआ ना, बहुत ही आसान। तो ऐसे ही गाइस आप अपने स्मार्ट एसी के फीचर्स के स्मार्ट आनंद ले सकते हो। तो आयु की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित हुआ। अगर वीडियो को थोड़ा बहुत पसंद आए तो प्लीज गाइस लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में जो बेल वाले घंटे उसको भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस चैनल से जुड़ी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को एडवांस मिलते रहे। तो फिर मिलते कल और एक नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक अच्छे से रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।